So hello, hello, hello guys. Welcome back to my channel Makeup Dreams. If you're new to me, then I'm Ayushi guys. So इस channel में आपको देखने को मिलने वाला है fashion, beauty and lifestyle videos guys. And today's video is all about a review video guys. It's not a sponsored video guys. मैं आपको disclaimer देना चाहती हूँ. तो आपको यहाँ पे बहुत ही genuine, एकदम true review मिलने वाला है about the product guys. So let's get started with the video. मैं आपके साथ आज इस product का live demo भी share करने वाली हूँ कि आपको इसको कैसे use करना है, कितना आसान है इसको यूज़ करना, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है. आई जस्ट शेयर विद यू ईच एंड एवरीथिंग गाइज. तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज एम कैफीन कॉफी स्कैल्प स्क्रब है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द ब्रांड विच इज एम कैफीन. बहुत लोगों ने सुन रखा होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है मैं आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहती हूँ. सो एम कैफीन इज ऑल अबाउट लाइक कॉफी, यू नो. जैसे ही एम कैफीन याद आता है इट्स ऑल अबाउट कैफीन, यू नो. इनके सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है एम कैफीन के वो सारे कॉफी से बने हुए होते हैं. दे all are raw. It's like a very pure, very natural. It's like all about coffee, coffee, coffee. So it's a chemical free brand है ये. And इसमें आपको कोई भी chemical नहीं मिलेगा. It's a dermatologically tested है. आपको इसमें कोई भी paraben नहीं मिलने वाला है. So it's a animal tested free है. PETA approved है. It's a vegan product. And it's a FDA approved guys. इनके जितने भी products है, it's like a unisex products. इनको कोई भी use कर सकता है. So this one is a very best and very amazing thing guys. Because बहुत कम ऐसी brands है जो unisex प्रोडक्ट्स बनाती है और जो कोई भी यूज कर सकता है. एंड मैं ऑलरेडी एम कैफीन के बहुत सारे, इट्स लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी एम कैफीन के यूज कर रही हूँ एंड दे आर फैब. सो ये एक पर्टिकुलर ऐसी ब्रांड है जिसपे मैं बहुत अच्छे से लाइक ट्रस्ट कर सकती हूँ बिकॉज दिस वन इज सच अमेजिंग. लाइक ये जो अपने प्रोडक्ट में बोलती है ना, इट्स लाइक ऑन नॉच, ऑन द पॉइंट ये वो काम करते हैं अब तक के जितने भी प्रोडक्ट मैंने एम कैफीन के यूज किए हैं. दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांड. देन आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. देन इसका जो इनर पैकेजिंग है विच इज लुक लाइक दैट, आपको कुछ इस टाइप से रिसीव होगा. कम्स विद दिस स्पैचुला. आप बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ऐसे निकाल सकते हो, लाइक स्कूब आउट कर सकते हो. And then this is the product guys. So this one is such a high end packaging. बहुत ही अच्छा feel देती है. Proper glass packaging है. So look at this, like a normal जो coffee color नहीं होता, it look like that. And आपको इसमें बहुत छोटे छोटे particles show हो रहे होंगे. So this one is a very runny consistency. So आप बहुत easily अपने scalp पे इसको use कर सकते हो. And this one is the best thing कि आपको spatula के साथ में receive होता है. Look at this. This one is the छोटे छोटे particles. ये जो छोटे छोटे particles है ना, this one is exfoliate बीट्स है ये जो आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करेगा, आपके डेड सेल को रिमूव करेगा. लाइक दिस वन इज अ रियली नाइस एक्सफोलिएशन आपके स्कैल्प को करने के लिए. सो दिस वन इज द फॉर्मूला. बहुत ज्यादा रनी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है. इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ रनी थिक कंसिस्टेंसी है इसका. इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी जेंटल ऑन योर स्कैल्प. सो देन आई टॉक अबाउट द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट गाइस. सो फर्स्टली द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज 600 rupees का ये है. प्लस आपको नाइका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप कहीं से भी इसको बॉट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सॉ एंड हमने सुना अ स्कैल्प स्क्रबर. सो इट्स लाइक अ वेरी न्यू काइंड ऑफ थिंग गाइस. एंड ये प्रोडक्ट क्लेम करता है स्कैल्प को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा. द सेकेंड थिंग के आपके डेंड्रफ को कंट्रोल करेगा एंड आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, रूट्स को बहुत अच्छे से स्टिमुलाइजेशन करेगा. सो मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को 4 times यूज कर चुकी हूँ. इट गिव्स मी अमेजिंग रिजल्ट गाइस, ट्रस्ट मी. स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. आई एम जस्ट टॉक अबाउट द क्लीन, द साफ वाला क्लीन होता है ना, एग्जैक्टली एकदम नीट एंड क्लीन आपके स्कैल्प को कर देगा. आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके बहुत अच्छे से क्लीन करता है. आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से करता है. अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन से होता है तो आपका जो हेयर ग्रो है वो भी बहुत अच्छे से स्पीड में होता है. ये मैंने खुद ने नोटिस किया बिकॉज मैंने अभी जस्ट हेयर कटवाए थे एंड लाइक ट्रस्ट मी काफ़ी जल्दी वो बड़े भी हो चुके हैं. सो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए जस्ट डेफिनेटली नोटिस की है बिकॉज मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी और मैं कर चुकी हूँ. लाइक 4 times मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ. 2 months पहले बॉट किया था बट मैं इस प्रोडक्ट को खुद से एक बार ट्राई करना चाहती थी. इट्स अ वर्थफुल प्रोडक्ट और इट्स नॉट अ वर्थफुल प्रोडक्ट. और मैं आपके साथ अगर कोई प्रोडक्ट शेयर करूँ डेफिनेटली आई शेयर विथ यू अ प्रॉपर रिव्यू. अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है. एंड इट्स अ जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट. सो मुझे लगा वाई नॉट, मुझे डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए. एंड दिस इज द टाइम जब हम विंटर्स में अब जा रहे हैं और विंटर्स में बहुत ज़्यादा इशू होता है. इट्स लाइक हैवी डेंड्रफ, बहुत गंदा वाला डेंड्रफ विंटर्स में.
में होता है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम, मुझे लगा इसको यू नो इसका प्रॉपर रिव्यू मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग विच इज गाइज के दो टाइप के डैंड्रफ होते हैं. द फर्स्ट इज द ड्राई डैंड्रफ जो बहुत हम ईचिंग करते हैं एंड यू नो यहाँ पे गिरता है, हमारे बालों में दिखता है. इट्स लाइक अ वेरी ड्राई डैंड्रफ जो आपके बालों में आपको हर जगह दिखेगा. द सेकेंड डैंड्रफ इज दिस के जो आपके स्कैल्प में ना लेयर्स बनी हुई होती है एंड आप अपने बालों को जैसे ही देखोगे ना ऐसे करके आपको लेयर्स दिखेगी डैंड्रफ की. इट्स लाइक वाइट लेयर, ठीक है, और वो बहुत लाइक वो ड्राई डैंड्रफ से भी ज्यादा गंदा डैंड्रफ होता है बिकॉज उसको रिमूव करना इट्स अ हेल टिपिकल, ठीक है. मुझे बहुत वैसे भी काफी कम डैंड्रफ के इश्यूज रहते हैं बट मैंने ये प्रोडक्ट अपने और दो तीन यू नो कुछ लोगों के साथ शेयर किया है जिनको डैंड्रफ का मेजर इश्यू है एंड उनके साथ मैंने इस प्रोडक्ट को शेयर किया है एंड उनको उन लोगों को ये प्रोडक्ट ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से वर्क किया है. उनके डैंड्रफ को बहुत अच्छे से रिमूव हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट 80% उनका डैंड्रफ रिमूव हो चुका है इस प्रोडक्ट से. इट वर्क्स लाइक वंडर्स ऑन योर स्कैल्प गाइस. व्हेन यू स्क्रब ना अपने स्कैल्प पे वो बहुत अच्छे से रिमूव होगा एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको फर्स्ट स्क्रब में ही आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा. इट इज़ लाइक कि आपको यूज़ करना पड़ेगा. इट्स लाइक 2 months, 3 months तक एटलीस्ट आपको अपना फूड टैप खत्म करना होगा, तब मैं बोल सकती हूँ कि इट्स लाइक 90% or 98% आपके डैंड्रफ को रिमूव कर देगा, ठीक है. जितना मैंने यूज़ किया है और जितना मैंने यू नो और जिन लोगों को दिया था उन लोगों ने यूज़ किया है उससे मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आपका डैंड्रफ को 95% तक टोटली रिमूव कर सकता है एंड ये मैंने खुद ने बहुत अच्छे से फील किया है. आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपको किसी भी टाइप का डैंड्रफ है. यू जस्ट यूज दिस प्रोडक्ट. अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ना इट्स नॉट लाइक कि वो एक दिन में या एक वॉश में आपको 100% रिजल्ट देगा. इट इज़ लाइक कि आपको कंटिन्यू उस प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको वो चीज़ रिजल्ट देगा, अदरवाइज आपको कोई भी प्रोडक्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकता है. इफ़ यू हैव अ हैवी डैंड्रफ और अ हैवी हेयर फॉल अगर आपको होता है तो यू जस्ट यूज लाइक ट्वाइस इन अ वीक आप इसको यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज मत करना. एंड इसको लाइक हर वीक में अगर आप एक दो बार यूज करो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा. एंड अगर आपको रिजल्ट दिखता है प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय दिस इंस्टाग्राम कॉफी. अपने आप में बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन है आपके स्कैल्प और यू नो स्किन पे एक्सफोलिएट करने के लिए एंड इसमें ऑलरेडी AHA भी है. सो इट्स लाइक अ अमेजिंग थिंग ऑल्सो कि आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छा वर्क करेगी. इसके यूज के डेफिनेटली यू जस्ट फील कि आपके जो हेयर्स है ना इट्स लाइक सॉफ्ट एंड सपल आपको फील होने वाला है. सो गाइज देन हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है. सो टुडे आई शेयर विद यू गाइज अ लाइव डेमो इन दिस वीडियो एंड इस प्रोडक्ट को यूज करना कितना आसान है बिकॉज इट्स सच अ ईजी प्रोसेस. इट जस्ट लाइक 5 मिनट्स का प्रोसेस है एंड बहुत ईजीली आप अपने स्कैल्प को क्लीन कर सकते हो, लाइक अपने डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हो, अपने हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव एंड लाइक फास्टर कर सकते हो एंड अपने हेयर फॉल को कंट्रोल भी कर सकते हो. सो इट्स लाइक अ वन एंड ऑल प्रोडक्ट जो अच्छे से वर्क करता है प्लस बहुत इफेक्टिव भी है. इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ कि अगर आपकी ऑयलिंग भी हो रखी है ना आपके हेयर्स में तो आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो. जब कभी भी आप अपना हेयर वॉश कर रहे हो लाइक उससे 10 मिनट्स पहले आप अपने हेयर को स्क्रब कर सकते हैं. देन नॉर्मली आप अपने शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करके इसको वॉश कर सकते हैं. इट्स जस्ट ईजी लाइक दैट. एंड आपको इसको हेयर वॉश से पहले ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हेयर वॉश करना है देन इसको यूज़ करना है. राइट नाउ मेरे हेयर्स पे बिल्कुल कोई भी ऑयल लगा हुआ नहीं है. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑयली हेयर्स हो या फिर नॉन ऑयली हेयर्स हो. आप लाइक जैसे कंफर्ट हो आप उसको वैसे यूज कर सकते हो. सो राइट नाउ मेरे हेयर्स पे कोई ऑयल नहीं है. आपको अपने हेयर्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है लाइक दिस. सो डिवाइड करने के बाद में यू जस्ट नीड अ बोतल और आप लाइक अगर आप नॉर्मल वॉशरूम में हो तो आप बहुत अच्छे से यूं भी यू नो शावर से अपने हेयर को यू नो वेट कर सकते हो. यू नो हमको इस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने स्कैल्प पे यूज करना है, हेयर लेंथ पे यूज नहीं करना है. स्पेशली आपको अपना स्कैल्प अच्छे से वेट कर लेना है ताकि यू नो जो आपका स्क्रब है वो बहुत अच्छे से लग जाए एंड बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए. यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस इस तरीके से एंड आपको बहुत अच्छे से ना यहाँ पे स्कैल्प को ऐसे स्क्रब करना है. यू नो आपको इतना रिलैक्सिंग फील होगा ना. फ्रेग्रेंस है ना इट्स लाइक कॉफी तो है ही है प्लस आपको लिटिल बिट मिंट वाला जो फ्रेग्रेंस तो काफ़ी अच्छा आपको यू नो ठंडा ठंडा फील होने वाला है. तो इट्स लाइक वेरी नाइस एंड बहुत अच्छे से स्कैल्प को आपको स्क्रब करना है.
सो दीज आर छोटे छोटे स्क्रब पार्टिकल्स जिनसे आप बॉल चीज स्क्रब कर पाओगे एंड इट्स नॉट हार्श ऑन योर स्कैल्प गाइज. सो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको मेजर हेयर फॉल इश्यू है तो आपको एक बार ऐसा लगेगा कि आपके और ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जस्ट बिकॉज जो ऑलरेडी आपके लूज हेयर्स होते हैं आपके स्कैल्प के, वो आप जब स्क्रब करोगे तो वो एकदम से निकल जाएंगे. बट वेन यू यूज 1 to 2 times जब आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, जो ऑलरेडी आपके लूज हेयर्स है वो निकल जाएंगे, देन आपकी वापस हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी. अगर आपको उसके बाद में भी लाइक 1 to 2 wash के बाद में भी अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सो डोंट यूज दिस प्रोडक्ट. बिकॉज देखो यार, इट्स नॉट लाइक कि ये सबके लिए यूजफुल हो या फिर सबको सेम रिजल्ट दे. अदरवाइज जिनको इतना मेजर हेयर फॉल इश्यू नहीं है या फिर जिनको इट्स लाइक कि 1-2 wash में आपके थोड़े बहुत हेयर्स निकलेंगे, अदरवाइज 2nd wash के बाद आपके काफी हद तक न्यू हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस काफी हद तक आपके जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा एंड आपको 1st wash के बाद में ही काफी अच्छा आपके डैंड्रफ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे हेयर वॉश के बाद. सो गाइज, आई वॉश माय हेयर्स, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे. दिस इज माय नेचुरल हेयर्स, मेरे हेयर्स ऐसे ही है, इट्स लाइक अ वेरी वेवी काइंड ऑफ हेयर्स है मेरे. सो यू नो आफ्टर वॉश आपको बहुत अच्छा फील होगा, 2 to 3 hours हो चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं एंड आप देख सकते हो एक बालों में ना बहुत अच्छी शीन आ चुकी है, इट्स लाइक वेरी वेरी शाइनी और अच्छे लगते हैं आपके हेयर्स. सो गाइज, देन आई टॉक अबाउट कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज दैट गाइज, कि आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बाय करना चाहिए. लाइक मेरी तरफ से आपको 10 out of 10 है, लाइक ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. इफ यू हैव अ मेजर डैंड्रफ इशू देन डेफिनेटली यू हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट्स ऑन नॉच. लाइक ये जो प्रोडक्ट जो क्लेम कर रहा है डेफिनेटली ये अपना काम, लाइक 100% मैं नहीं बोलूंगी बट एटलीस्ट 90% अपना काम डेफिनेटली करता है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट गाइज, इफ यू हैव अ हेयर फॉल इशू तब भी आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज दैट गाइज, अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा डर्ट फुल वाला रहता है एंड जस्ट वॉन्ट के आपको कुछ ऐसे स्क्रब चाहिए जो आप लाइक वंस इन अ वीक और लाइक ट्वाइस इन अ मंथ में अगर आप इसको यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ये बाय करना चाहिए. बिकॉज जब मैंने इसको बॉट किया था तब मुझे एक मेजर यू नो डेंड्रफ इश्यू था, बट राइट नाउ यू नो आई डोंट हैव एनी डेंड्रफ. मेरा स्कैल्प काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है, काफी ज्यादा क्लीन है. आई जस्ट यूज जस्ट बिकॉज मेरे स्कैल्प को बहुत अच्छा क्लीन कर देता है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, प्लस मेरी हेयर ग्रोथ में डेफिनेटली मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखा है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप अपने बॉडी पे स्क्रब को यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आई प्रिफर कि मैं अपने स्कैल्प को भी यू नो टाइम से टाइम यू नो स्क्रब करती रहूं ताकि कोई डर्ट इकट्ठी भी ना हो. लाइक अगर हल्का फुल्का डैंड्रफ है तो डेफिनेटली आपके 1-2 wash में ही निकल जाएगा. सो द 4th pro इज दैट गाइज, कि इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव. लाइक 600 rupees का है बट आपको ऑलमोस्ट सेल में मिल जाएगा, लाइक 500 to 550 आपको आराम से मिल जाएगा. एंड राइट नाउ तो काफी अच्छी सेल चल रही है. सो दीज आर द प्रोज गाइज, कि आपको क्यों ये बाय करना चाहिए. देन आई शेयर विद यू गाइज कॉन्स. अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर्स बहुत ज्यादा लाइक 3rd wash में भी काफी ज्यादा टूट रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए. एंड मुझे लगता है आपको इस प्रोडक्ट को तभी बाय करना चाहिए इफ यू हैव अ मेजर डैंड्रफ इशू, तभी आप इसको बाय करो. लाइक अ वेरी इची स्कैल्प रहती है जिनकी बहुत ज्यादा, और जिनकी बहुत ज्यादा यू नो डैंड्रफ एंड बहुत ही ज्यादा डर्ट वाला स्कैल्प रहता है ना, डेफिनेटली उनको ये बाय करना चाहिए. बट इफ यू डोंट हैव, लाइक आपके बहुत ही नॉर्मल स्कैल्प है, सो आई डोंट थिंक सो आपको ये बाय करने का बिल्कुल भी जरूरत है. बिकॉज आपका काम ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है, देन क्यों 600 rupees को यू नो वेस्ट करना. सो दिस इज द कॉन नंबर 2. सो दीज 2 आर द कॉन्स गाइज. वैसे इसमें कोई ज्यादा खराबी नहीं है इस प्रोडक्ट में, कि मीन्स की फालतू कोई बुराई करूँ, बट मुझे मोस्टली इस प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छा ही नजर आई है क्योंकि इसने मुझ पर बहुत अच्छा वर्क किया है. तो लाइक दिस इज द प्रोज, दिस इज द कॉन्स. आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली यू बाय इट गाइज, एंड मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाली हूँ. दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज. इन दिस वीडियो आई जस्ट गिव यू माई 10 on 10 guys. I just give you a live demo with this. I just give you the pros and cons, why you buy it, why you don't buy this product guys. So I just share with you guys my whole experience, my whole in-depth detailed review about this product guys. I hope aapko ye video acha laga hoga, and if you like this video then please guys give it a big thumbs up to this video, and please guys jaane se pehle like share and subscribe karke definitely jana. It just boost me on my work, मेरे को काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है. जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बाजू में छोटू सा बेल आइकन आपको दिखेगा, जस्ट प्रेस इट दैट, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा. सो बाय, लव यू, टेक केयर.